नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। फरीदाबाद के आईएमटी इलाके में आज मोटर बनाने वाली कंपनी मैराथन मोटर प्राइवेट लिमिटेड में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के तुरंत बाद कंपनी के कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और लगभग आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों के साथ कंपनी में लगी आग पर काबू पाया। कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की माने तो लंच का समय था और वह लंच कर रही थी कि तभी अचानक कंपनी में आग लग गई और उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कंपनी में स्थिति सामान्य बनी हुई है। फरीदाबाद से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। आग लगी है, कौन सी कंपनी, क्या नाम है इस कंपनी का? मैराथन। कैसे आग लगी, कुछ पता चला? आप इसी में काम करते? आग कैसे लगी? ऊपर थे सारे, पता नहीं। अच्छा, हम तो लंच कर रहे थे। लंच कर रहे थे, अचानक आग लग गई। अचानक उसके बाद क्या हुआ? आग लगी तो हम नीचे आ गए सारे। सारे कर्मचारी नीचे आ गए। कोई किसी की चोट वोट भी लगी है? किसी को नहीं लगी चोट। सारे कर्मचारी बाहर आ गए। आप भी इसी कंपनी में काम करते हैं? कौन सी कंपनी है? किस जगह है? आईएमटी में। तो ये आग लगी, कैसे लगी आप? हमें नहीं पता, हम तो ऊपर लेंच कर रहे थे। अच्छा, क्या बनता है इस कंपनी में? बनता क्या है इस कंपनी में? मोटर बनती है। तो अब ये कैसे लगी आग, कुछ पता लगा? कितने टाइम, कितने समय की बात है? कितना टाइम था उस टाइम? लंच टाइम था, 1:30 बजे करीब आग लगी है। आग बुझाने के लिए गाड़ी आ गई यहाँ पे? गाड़ी नहीं आई, जब आग लगी। किसी को चोट वोट लगी है? नहीं, नहीं। आग बुझा दी गई है अभी या फिर अभी भी जा रही है? जा रही है, बुझा रही है। जी, आग लगी है, क्या है पूरा मामला? सर, ये हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेक्टर 69 में मैराथन मोटर प्राइवेट लिमिटेड है, प्लॉट नंबर 813 पर, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी हुई है, जिस पर हम मौका पर आए। फायर ब्रिगेड सूचित किया गया, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर है और हम और भी गाड़ियां मंगवा रहे हैं और आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है और कोशिश कर रहे हैं। जानकारी मिली है इस कंपनी में ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं? हाँ, महिलाएं भी हैं और भी हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई जान की कोई वो नुकसान नहीं है। तो लगभग कितने का नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है और क्या कुछ बनाती है? तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। कंपनी क्या कुछ बनाती है? वो तो कंपनी के जो मालिक है ये बनाती है, जो कूलर होती है ना, कूलर की मोटर बनाती है, कोई मिक्सिंग वगैरह की जो कूलर है, कूलर की मोटर वगैरह बनाती है। आग लगने के कारणों का भी कुछ पता नहीं लगा। ठीक है। फरीदाबाद की छोरी रितु लखीना ने मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर 2019 का खिताब जीतकर भारत का परचम विदेशों में लहराया है। रितु का अब सपना है कि मिस यूनिवर्स बनना है, क्योंकि साल 2000 के बाद भारत में कोई दूसरी महिला मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीत पाई है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की रितु का कहना है कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद वे आईएएस भी जरूर बनेंगी। क्या नाम है आपका? I'm रितु लखीना। रितु, अभी हाल फिलहाल में कौन सा खिताब जीत कर लाए हैं आप? मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल में, एंड आई वन मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर 2019, एंड द फर्स्ट इंडियन टू अचीव इट। ओके, इससे पहले भी आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं मॉडलिंग की दुनिया में, तो इससे पहले मतलब कि अगर शुरू से बात करें तो सबसे पहला खिताब कौन सा था आपका? मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में मिस हरियाणा इंडिया का खिताब जीता था, उसके बाद मैंने AFT मिस इंडिया, देन उसके बाद मिस इंटरनेशनल इंडिया, फिर उसके बाद मिस इंडिया ग्लोबल यूथ एम्बेसडर, एंड देन मिस टूरिज्म एम्बेसडर इंटरनेशनल इंडिया खिताब जीता था। उसके बाद मैंने 2019 में पुणे शहर में मिस ग्लैमर लुक इंडिया का खिताब जीता और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल फिलीपींस में, एंड वहाँ से मैं इंडिया की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर जीता है, और मैं इंडिया की लाइक आई वॉज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। कितने देशों की वहाँ पर भाग लिया गया था? एक्चुअली 78 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था, बट फाइनलाइज 19 थी, ऑन द फिनाले 19 में से मैं विनर थी। कौन से देश की जो ब्यूटी क्वीन थी जिसको आपने हराया वहाँ पे और आप जीते हैं, आपके मुकाबले में कौन थी? एक्चुअली सारी लड़की बहुत अच्छी थी, लाइक सब भी बहुत टैलेंटेड थी, सब ने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया, सब जो वहाँ पे सारे थे, सो एज एवरीवन वाज सो कॉन्फिडेंट, सो मैं इंडिया का जीत के आया, सो एवरीवन वाज अ कंपटीशन देयर। नेक्स्ट सपना क्या है आपका? मिस यूनिवर्स, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS एज वेल, बिकॉज मेरे को अपने देश को सर्व करना है फॉर माय होल लाइफ। लगता है आप मिस यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगी और मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर लाएंगी? हाँ जी, मेरे को पूरा भरोसा है।
किससे मिली आपको प्रेरणा? जब मैं 5 साल की थी मैंने फेमिना मिस इंडिया देखा था, उस टाइम पार्वती उमरा कोट्टन वॉज क्राउन्ड एज फेमिना मिस इंडिया। देन उस टाइम मेरा सपना था कि मेरे को एक क्राउन जीतना है। तब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की मिरर के सामने, मैं पोज प्रैक्टिस करती थी यूट्यूब से वीडियो देख के, थोड़े कभी रैम वॉक क्वेश्चन आए सो उससे मैंने ग्रूमिंग क्लासेज ग्रूमिंग मैंने उससे ली बिकॉज मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। और अब हरियाणा के करनाल की ओर चलते हैं जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे और दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें जीतेगी। आप भी सुनिए बीजेपी की जीत को लेकर बराला ने क्या कुछ कहा। क्योंकि आज यहां जैन समाज का कार्यक्रम यहां पर आयोजित था, यहां बड़े संत समाज कि लोग यहाँ पर भिन्न भिन्न समाजों के आए हुए थे, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। देखिए, हरियाणा लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ पूरी तरह से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी में लगातार आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि इस बार जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर है, इस प्रकार से हमारी देश और प्रदेश की सरकारों ने जन कल्याण के काम किए, विकास के काम किए और देश ने इस बात को भी महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए आज देश की जनता, प्रदेश की जनता और ख़ास करके हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें जीत करके मोदी जी को देने की तैयारी में है। प्रत्याशियों के नामों पे चर्चा हरियाणा की चुनाव समिति में होकर के केंद्रीय चुनाव समिति के पास जा चुकी है और अब केंद्रीय नेतृत्व कभी भी हमारी इन सीटों का ऐलान कर सकता है, वो 2-4 दिन में जब भी वो चाहेंगे। बीजेपी में एक-एक करके जो है राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर मजबूत होती जा रही है। आज क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में लोग दो तरह की बातों पर विचार कर रहे हैं, देश का नेतृत्व किसके हाथ में हो, देश का नेतृत्व जन कल्याण को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, देश के विकास के को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और देश की सुरक्षा जिनके हाथों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और दूसरी तरफ एक कन्फ्यूज नेतृत्व यानी कि आज कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है, जन कल्याण की योजना है और ख़ास करके देश की सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की जनता को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व खास करके राहुल गांधी जी की अगर बात करें, देश की सुरक्षा के प्रति उनका कोई नज़रिया है नहीं और जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद हमारी देश की सेनाओं ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, दुश्मन देश के अंदर घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूत किया और उनके विमान तक को मार गिराने का जब काम किया गया, इसके ऊपर जो पार्टी सवाल उठाती है तो देश की जनता इस बात को बारीकी से देख रही है। इसलिए देश की जनता ये चाहती है कि एक बार फिर देश मजबूत हाथों के अंदर हो और देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। सर, हरियाणा में इससे जो है पार्टी से आप देखते हो मजबूती होगी? देखिए, ये जनता ने तय करना है और जनता ने मुझे लगता है मोटे तौर पर तय कर लिया है कि मुकाबला आज किसी के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता एक नंबर पर रख करके चल रही है और बहुत आगे चल रही है, अब पीछे तो 2-3 नंबर की लड़ाई है। कांग्रेस की बस यात्रा शुरू हो रही है, कांग्रेस की बस यात्रा पहले भी हुई थी, जींद के उपचुनाव में भी हुई थी, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला का नॉमिनेशन करने की बारी आई थी तो राहुल गांधी जी ने उनको एक बात कही थी कि सब इकट्ठे जाकर के चुनाव लड़ना है और सब लोग इकट्ठे आए भी थे। जींद में हमने वो नज़ारा देखा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, किरण चौधरी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनके प्रदेश के अध्यक्ष
अशोक तंवर और पूरी टीम एक साथ वहाँ पर एकजुट दिखाई दे रही थी, लेकिन इस एकजुटता के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी हार जींद के अंदर मिली थी। बमुश्किल वो अपनी जमानत बचा पाए थे। तो मुझे लगता है कि केवल ऊपरी दिखावे के लिए बस के अंदर बैठ कर के कांग्रेस पार्टी के नेता चलेंगे, हाल तो वही होना है जो पहले उनका हुआ था, और मुझे लगता है उससे भी बुरे हालात इनके आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने में क्या कहते थे, क्योंकि एक दोनों एक तरह से एक्टर क्या एक तरफ। देखिए, वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, और सपना चौधरी ने ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, लेकिन उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि किसी डूबती नैया के अंदर सवार होना है या नहीं होना है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े कान के कुंडल लूट लिए गए। बदमाशों की संख्या दो थी। मामले से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें सनसनीखेज वारदात को देखा जा सकता है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुजुर्ग महिला अपने घर की तरफ लौट रही है, और उसी दौरान एक युवक पीछे से आता है। इस दौरान वह बुजुर्ग महिला के कान के कुंडल लूट लेता है, और उसका साथी सामने से बाइक पर आता है, जिस पर बैठकर आरोपी फरार हो जाता है। दोनों युवक काफी देर से इस इलाके की रेकी कर रहे थे, और उन्होंने बुजुर्ग महिला को निशाना बना डाला। बुजुर्ग महिला के कान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला घर पहुंची तो काफी डरी हुई दिखाई दी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? नंबर दो गली भुवेंद्रपुरी। क्या घटना हुई आज आपके साथ? मेरी कुकर देने गई थी तीबरे रोड को, उधर से आ रही थी मैं। अच्छा। और पीछे से मुझे दबा ले। क्या छीन लिया? कुंडल गए, एक कान जख्मी होगा। कितने लोग थे वे? मैं तो दो ही देख के। ठीक। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में महिला की बहादुरी सामने आई है। महिला ने बदमाश के साथ जमकर लोहा लिया। बिना हथियार के ही सुहाग की निशानी छीनने आए बदमाश से महिला भिड़ गई, और रोड बदमाश को सबक सिखा दिया और पुलिस के हवाले भी कर दिया। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां की रहने वाली लक्ष्मी अपने घर जा रही थी कि तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उसका मंगल सूत्र खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला ने बदमाश का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, और इस बीच लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा जा सका और पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिंह। क्या हुआ यहाँ पे? अरे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो आया उधर से धीरे से बाइक चलाते हुए आया जी। तो मैं क्या की कि मैं इसको बोली कि साइड हो जाता जी। तो साइड ये हो गई, उसके बाद से वो पीछे से आया जी। पीछे से आके मेरा मैंने चैन छीनना चाहा जी। तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको ढकेल दी, तब तक वो पीछे से भाग गया। अब यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया है? नहीं जी, पब्लिक लोग पकड़े हैं। हाँ, स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा। अच्छा अच्छा। तो क्या पुलिस को कंप्लेंट किया आपने? मैं नहीं की हूँ, दूसरे कोई किया था। अच्छा। अभी कहाँ ले गए उसको? थाने पे गए। यूपी के शाहजहांपुर की बात करते हैं, जहां निगोही क्षेत्र में तालाब में नहाने गए दो भाई डूब गए। बच्चों को तालाब में डूबते देख ग्रामीणों ने एक को बचा लिया, लेकिन दूसरा डूब गया। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाने और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत गाड़ियों के शीशे पर लगाए जाने वाली काली फिल्म, ड्रंक एंड ड्राइविंग, अंडर एज ड्राइविंग और अवैध रूप से लगाए जाने वाली नंबर प्लेट समेत लगभग 90 चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिले और प्रदेश में होने वाले अपराधों पर नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि काली फिल्म की आड़ में कोई भी अपराधी बच कर न निकल सके, और साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। सर, यहाँ पे आज आप जो चालान कर रहे हैं, किस किस चीज़ के चालान हुए हैं और किस किस के कितने किस प्रकार के चालान कितने हुए हैं? सर, आज हम यहाँ ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर पैटर्न, अंडर एज और ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ड्राइव के इस तरह के चालान कर रहे हैं। सर, ये कोई विशेष अभियान चलाया हुआ है या डेली रूटीन वाली कुछ है? नहीं, ये फिलहाल एक विशेष अभियान है, क्योंकि इस समय लोग गर्मियों के टाइम में लोग ब्लैक फिल्म या कार्टन्स वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे गाड़ी में जो अंदर आदमी होता है उसका पता नहीं चलता कौन है कैसे है, और जो आजकल जो क्राइम हो रहे हैं वो तकरीबन ऐसी गाड़ियों में होते हैं। तो इस वजह से अफसरों के आदेश अनुसार ये
हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये विशेष तौर पे चलाया हुआ है। कितना चालान काटे हैं अब तक? हमने करीबन 90 करीबन गाड़ियों के चालान काटे हैं। हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट के जो आदेश हैं ब्लैक फिल्म के ऊपर विशेषकर, ताकि अपराध की छवि का कोई आदमी यहाँ से बच ना सके, तो अब तक कितने चालान काटे हैं ब्लैक फिल्म? अब तक ब्लैक फिल्म के करीबन 10 चालान कर चुके हैं खाली ब्लैक फिल्म। क्या नाम भैया? लगा के चला दे गाड़ी। ब्लैक फिल्म लगा के चला रहे हो गाड़ी? हाँ चला रहे हैं। आपको पता है कानून ठीक नहीं है? हाँ। फिर भी क्यों आप ऐसा करते हैं? कोई बात नहीं, गलती होगी। आगे से करेंगे आप? नहीं। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ये आपको पता है कि कोई भी किसी भी तरीके का जो ब्लैक फिल्म है वो अलाउड नहीं है शीशे के ऊपर? गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर शीशे का मैंडेट किया हुआ है। हाँ, तो फिर मानते हैं आपने ये? सर मैं मानता हूँ गलत काम है, मगर सर बहुत लाइट लगाई थी। ये जो बैन थे ये उस दिन से बैन थे जब से जो वो रेप हुआ था, एक हत्याकांड जो रेप वाली बात नहीं, नहीं, नहीं जब से गवर्नमेंट, पहले ये अलाउ थे ऐसी बात नहीं है, पर्दे लगाना भी अलाउ नहीं है, मुझे सब पता है। मगर सर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हीट करती गाड़ी, इसलिए ये इतना होता है कि पार्शली जो है ना दिखाई सके। इन्हीं काली फिल्मों के और उसी के बारे में अपराधी कई बार? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं, ये भी आपकी सिक्योरिटी के लिए, मैं बिल्कुल आपको मानता हूँ, मगर मैंने इतनी लाइट लगाई थी कि उसमें से जो है ना आप जो भी अगर चेकिंग वगैरह वाले हैं वो बिल्कुल देख देख सकते हैं। लेकिन फिर भी रात के, अब सर अब तो रात के टाइम की बात नहीं, इसमें रात के टाइम भी देख सकते हैं और जब भी चेकिंग होगी ना तो आपकी लाइट जलेगी। मानते हैं आपके ब्लैक फिल्म कोई सी भी किसी प्रकार की है वो गैर कानूनी है? सर ब्लैक फिल्म मैं मानता हूँ गैर कानूनी है, मगर ब्लैक फिल्म वो वाली गैर कानूनी है ना जिसमें आपको देख नहीं सकते। सर उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्या इसकी परमिशन ले रखी है आपने? क्या सर? जो अगर आप फिल्म लगाते भी हैं एज ए पेशेंट या किसी के लिए, कोई जो डी सी साहब से परमिशन होती है क्या उसी की परमिशन? सर ये डी सी मैं किससे परमिशन क्यों लूंगा सर? मैं तो ये बोलूंगा कि आप पार्शली अंदर देख सकते हैं। पार्शल नहीं सर, आप कोई भी, आप जो कंपनी से गाड़ी निकलती है उसके शीशे जो भी सर, सर मैं बताता हूँ, ये पुराना 2008 का मॉडल है, जो नई गाड़ी आ रही है उसमें आपका अंदर का नहीं दिखाई देता, सेम इसी के अकॉर्डिंग मैंने इतना लाइट लगाया था कि अंदर तक का देख सकते। ये तो मानते कि आप लगाया था आपने? नहीं लगाया था, मगर जो नई गाड़ी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को चालान देना पड़ा, मुझे काफी हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर तक। ये देखिए इस कच्चे शराब की अवैध बिक्री को लेकर कासगंज पुलिस कार्यालय पर दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसका पुलिस पर मिलीभगत से शराब की तस्करी कराए जाने का आरोप भी लगाया। हालांकि एसपी ने ग्रामीणों को शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपका? मेरा श्यामा नाम है। श्यामा, आज पुलिस कार्यालय पर आए हुए हैं आप ग्रामीणों के साथ, क्यों आई है, क्या मामला है? मामला जी है, 2 साल 6 8 10 बस से है शराब खींचते हैं, लेकिन 6 महीना पीछे थे हमारे खेतन में लाने डालते हैं और ना ही करते हैं और गाड़ी दे बकते हैं और औरतें में आती हैं तोती हैं, 6 महीना पीछे चांद फाद दे हमारी ना ही कत पे। और कल हम मतलब मामे बतारी में गए, मामे जोहारी करे गमी में, तो हमारे लड़का, हम लड़का घर पर रहेगा और खेत पर ले जाके मार हुए, लेकिन गेहूँ तोता देखो जाके बहुत नुकसान करते हैं, बता 2 बीघा खेत में तो क्या का खाए का ना करे। कौन लोग हैं? एक धर्मवीर हुआ, कुमारपाल हुआ और राकेश हुआ। कौन से गांव के रहने वाले हैं? तई प्रकोठी। कब से खराब शराब खींच रहे हैं? 8-10 साल है गई। पुलिस क्या कार्रवाई करती है? कुछ ना करती, पैसा लेती है, खाती है और चले जाते हैं। कौन सा थाना है? ढोना थाना। क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं तईपुर से आदगंज से हूँ। अरुण कुमार जी, पुलिस कार्यालय आए हुए हैं, क्या वजह रही, क्यों आना पड़ा? वजह ये है कि हम लोग जब चौकी या थाने में जाते हैं तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और 3-4 दिन में, होली से 3-4 दिन पहले से अब तक लगभग 5,500 लीटर कच्ची शराब पकड़वा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हुई है। और जब पकड़वाने जाते हैं तो जो शराब खींचने वाले हैं वो सीधी पुलिस की धमकी हमें उल्टा देते हैं, और फिर जब हम चौकी में जाते हैं तो चौकी इंचार्ज हमसे कहता है कि ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें ही उल्टा धरवा दिया जाएगा। कौन चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज नाम पूछ पाना, चौकी इंचार्ज को नाम पता है। शराब पकड़ी गई, लहन बरामद हुआ। हाँ। उसके बावजूद भी कोई आरोपी पुलिस ने भेजे थे? कल आरोपी चौकी और थाने दोनों जगह गया था, जब हमने चौकी और थाने में संपर्क किया तो वहाँ से चौकी इंचार्ज ने उसे शराब खींचने वाले को निकाल दिया वहाँ से, और हमसे कहता है कि तुम खुद पकड़ के दोगे तो ही पकड़ेंगे हम। कौन सा थाना? थाना ढोलना। हाँ जी, और जो चौकी इंचार्ज है वो जहाँ पे शराब खींचती है उनके घर पे जाके पीता है, बैठता है। चौकी बिलराम चौकी। आपको लगता है पुलिस की मिली भगत से ये शराब खींची जा रही है? हाँ, पुलिस की मिली भगत से ही शराब खींची जा रही है, और उनके घर पे उठना बैठना है पुलिस वालों का।
देखिए ग्रामीणों ने शिकायत की है, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है और उनका कहना है कि शराब वहाँ बरामद है, तो इंस्पेक्टर ने भी कहा कि बरामद है, लहन भी बरामद है, शराब भी बरामद है, सूचना 100 नंबर पे गई थी, फिर पुलिस भी गई, वो लोग छोड़ के भाग गए, सामान बरामद है और वहाँ अपराधी भाग गए थे, तो उन्होंने कहा साहब मैं वेट कर रहा हूँ किसी को पकड़ के तब दिखाऊँ कार्रवाई, तो मैंने कहा कि आप जो इसमें मेन मेन है उनको नेम्ड करके FIR कायम करिए, उनको फरार दिखाइए और उनको पकड़ते रहिए, तो मैंने अभी उनको इंस्ट्रक्ट किया है और कार्रवाई हो रही है। कुछ इन्होंने 13 लोगों का नाम लिख के दिया है, अब उसमें ये भी हो सकता है इंस्पेक्टर का कहना है कुछ नाम बढ़ा के दे दिए, कुछ दुश्मनी अपनी निकाल लेते हैं, तो हमको उसको वेरीफाई करना है, जो अनडाउटेडली इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिनको इन्होंने अपनी कसर निकालने के लिए जोड़ दिया होगा उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनको बताया। सर पीड़ितों का आरोप ये है कि पुलिस सहयोग नहीं करती है, थाने ये कहीं से पीड़ित नहीं है, इन्हें क्या पीड़ा है, सुनो अब सुनो मेरी बात, ये पीड़ित। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर सिरफिरे अज्ञात व्यक्ति ने पिकअप गाड़ी में आग लगा दी। इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने अपने अपने घर से निकलकर जलती हुई पिकअप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पिकअप का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। मेरा नाम बब्बन अली है जी। मैं ग्राम यावतपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरा 8 दिन पहले 2-4 आदमी लड़कों से मोहल्ले में कह सुने होने के बाद में ये मेरे उसके बाद में ये झगड़ा बढ़ता गया, उसके बाद में ये उन्होंने मेरी गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, पुलिस फोटो वोटो करके ले गई है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जो जिन्होंने आग लगाई है उनसे कार्रवाई की जाए। उनको गाड़ी का नंबर क्या है? मेरी गाड़ी का नंबर है UP21CN2064। रात की घटना दिन की है? रात की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।